चल सुख सागर ले जाऊं रे मन अगहे देश दिखाऊं रे। अब नो कहा चल सुख सागर, सुख सागर सतलोक को कहते हैं मंदिर छड़। कहते हैं शंखों लहर मेहर की उपजें और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। जहां पर कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, तूफान नहीं, कोई पड़ोसी का डर नहीं, कोई जानवर का डर नहीं, उस लोक में ले चलो तुझे सतलोक में भाई, वहां चल। चल देखो कर सुख सागर स्नाना रे, चल देखो देश दीवाना रे, चल देखो देश हमारा रे, जहां कोट पद्म उजियारा रे। वहां अपने आप प्रकाश है, अब तो ये सूर्य का प्रकाश है, और वहां अपने आप करोड़ों पद्मों का वहां पर रोशनी है। इतना आनंद आता है उस रोशनी को देख के, उस रोशनी के चक्कर में यो पटबीजना पतंग और दीवे पचड़ कर मर जाता है। जब हमने वह रोशनी देख जाएगी, जब कसक अपने आप लागनी शुरू हो जाएगी। चल देखो देश हमारा रे, जहां सत तत् शब्द झनकारा रे, के देखो वो देश, वो तत् शब्द, शब्द बहुत है पर वो तत् शब्द यानी सार शब्द, उसकी झनकार दिखाऊं तेरे को। चल देखो देश हमारा रे, जा उज्जवल भंवर गंजारा रे, चल देखो देश हमारा रे, जा चौर सुअंगम डारा रे, चल देखो देश हमारा रे, जा चंद्र सोर ना तारा रे, चल देश देखो देश हमारा रे, नहीं धर अंबर गए नारा रे, चल देखो देश हमारा रे, जा अंत फूल गुल जारा रे, चल देखो देश हमारा रे, जा भाठी चवे कलारा रे। फिर भव सागर नहीं आवे रे, सतगुर सब नाच मिटावे रे। अले ये बीमारी कटेगी के फिर यहाँ नहीं आओगे, यहाँ आए ना और यह बीमारी शुरू हुई ना। चाहे जीव कुत्ते रूप में आओ, चाहे किसी रूप में आओ, बच्चे पैदा करो, पाड़ो पोसो। कुतिया की हालत देखी कभी आपने, 8-7 बच्चे हो जाएंगे, वह पाछे पाछे वो आ गए, वह आ गए आ गए, किधर लट खाओगी, किधर जूत खाओगी, टोक पेट भर खाओगी, फिर उन बच्चा ने पाड़गी। उस बच्चा कोई लठ मार रहा है, कोई डंडा मार रहा है, कोई पशु खा रहा है, कोई फेड़ रहा है, तो ऐसी हालत आपकी हो जाएगी। नो कई पीछा छुटवा लो भाई, मौका ही बार बार समय नहीं मिलेगा। इंसान को तो एक कह दो बार क्या हुआ बहुत उसे, पर बार बार कहने से भी मान जावे तो भी मन का सो शुक्र से कसूता काम से इस मन का। तो कहते हैं चल देखो देश हमारा रे, चल देखो देश हमारा रे, जहां गोमत है मतवारा रे, मन की जय दारम दारा रे, तुझे ले छोड़ू दरबारा रे। फिर भव सागर नहीं आवे रे, सतगुर सब नाच मिटावे रे, चल अजब नगर विश्रामा रे, तुम छाड़ो देना बामा रे, चल देखो देश अमानी रे, जा कुछ पावक ना पानी रे, चल देखो देश अमानी रे, जा जल के बारा बानी रे, चल देखो देश अमानी रे, मैं सतगुर पे कुर्बानी रे, चल देखो देश बलंदा रे, जा बसे कबीरा जंदा रे। वो भगवान कबीर साहब रहते हैं उस लोक में, सतलोक में, वहां चलो भाई। चल देखो देश अमाना रे, जा बुणे कबीरा ताना रे, चल अवगत नगर निवासा रे, नहीं मन माया का वासा रे, चल अक्षर धाम चलाऊ रे, मैं अवगत पंथ लखाऊ रे, कर मकर तार पियाना रे, जो शब्दे शब्द समाना रे, शब्द से फिर शब्द में समाना, गरीब जल मिल दरिया नागर रे, जा होन सुर सुख सागर रे, जा आनंद अनहद नाद वजनता रे, जा कुछ आद नहीं अंता रे, जा बाजे अनद तूरा रे, चल देखो अजब जहोरा रे, चल सिंध सिंध मिलाऊ रे, बहु सागर भोर न आऊ रे, जा अजब हिरंबर हीरा रे, जा हंस रहे सुख तीरा रे, जा अजब हिरंबर हीरा रे, यम दंड नहीं दुख पीड़ा रे, जहां काल का दुख नहीं है, दंड नहीं है, कोई पीड़ा यानी कष्ट नहीं है आपको। ओए होए होए, देखो कितना अमान, कितना आनंद आवेगा, कोई काम नहीं, ईश्वर के दर्शन पूर्ण ब्रह्म के 24 घंटे। जो आत्मा वहां चली जाती है उसमें इतना सरोकार हो जासे, हम नशा करके शराब का और सुख ढूंढते हैं। कहते वहां 100 बोतल दारू की पीले पर बेहोश ना हो, इतना नशा 24 घंटे इस आत्मा को रहता है, इतना आनंद आता है उस परमात्मा के लोक में, सतलोक के अंदर कोई मच्छर नहीं, कोई माखी नहीं,
या बिच्छू नारे काट जा, सांप नारे डस जा, कुत्ते पागल काट जा, बस 80% लोग भी महाराज ऐसे पागल हो रहे से। कोई शब्द ते चोट कर देगा, कोई हाथ ते कर देगा, कोई और घात कर देगा। दिन रात पीड़ा हम सहन कर रहे हैं, पर इस दुख के आदि हो चुके हैं। जल मिल दरिया नागर रे, जा हुन सुर है सुख सागर रे, चल सिंध सिंध मिलाऊ रे, बहु सागर भोर न आऊ रे, जा अजब हिरंबर हीरा रे, यम दंड नहीं दुख पीड़ा रे, जा अजब हिरंबर मेला रे, चले हद हद बेहद पर खेला रे, गुलजार गली चागा दीरे, सुन मंडल साध समाधि रे, चल मान सरोवर दरिया रे, सुख सागर मेला भरिया रे, नितंत नाद निरंजन रे, अवगत साहेब दुख भंजन रे। अविगत साहेब सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहते हैं वो दुख भंजन, दुख को दूर करने वाला। कादर करता करी करतार करी मारे, जा सुकल कुशल सही सब खी मारे, जा शंख भानु पर का सारे, जा झुलमुल नूर निवास सारे। शंख भानु नील पदंग, शंख सूर्य का प्रकाश सतलोक केंद्र है, पर उस सूर्य के प्रकाश में गर्मी ना हो और सर्द यानी धूप धूप हो, कितना आनंद आता है, कितना उसमें जैसे चंद्रमा की रोशनी में पूर्णमासी के दिन आप छात पर बैठकर देखना, गर्मियों के या सर्दियों के दिन में कितना आनंद आता है। और ऐसे ऐसे लाख सूर्य और लाख ही चांद दोनों की मिली जुली रोशनी हो जावे और उसमें गर्मी ना हो, फिर देखो उस लटके को, ओए होए बंदी छोड़। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज की असली स्थान को यानी सतलोक को बतावे से कि उसमें जाए पाछे जीव का छुटकारा हो।